आप लोग देख रहे होंगे कुछ समय से कि दक्षिण एशिया में चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है, इससे हमारे सामने चिंताएं खड़ी हो रही हैं। देखेंगे आज हम लोग कि किस तरह की चिंताएं खड़ी हो रही हैं। सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए, दक्षिण एशिया एक अनौपचारिक शब्दावली है जिसका सीधा सा प्रयोग होता है कि एशिया महाद्वीप का जो दक्षिण हिस्सा है ना, उसी को कह देते हैं आप लोग, क्या कह देते हैं, दक्षिण एशिया। इसमें आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। देखिए यहां देखो आप लोग, देखिए ये तो हमारा प्यारा भारत और ये एशिया है, ठीक है, ये दक्षिणी हिस्सा है, ये भारत हो गया, नेपाल हो गया, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान भी, या पाकिस्तान है। बांग्लादेश की बात करें तो ये बांग्लादेश है, और श्रीलंका आपका नीचे दिखाई देगा, आपको क्या देगा, श्रीलंका भी है और भूटान है, ये आपके पड़ोसी म्यांमार भी हो गया। और वैसे याद रखिए इसे आप लोग उपमहाद्वीप भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप भी कह देते हैं। और एक तरह से आप कहिए कि दक्षिण एशिया के जो देशों का एक संगठन भी है, सार्क भी, जिनमें आप भारत देखते हैं, पाकिस्तान देखते हैं, श्रीलंका भी देखते हैं, बांग्लादेश भी देखते हैं, नेपाल देख देते हैं, मालदीव भी देख लेते हैं, और भूटान देख लेते हैं। एक तरह से इसे ही आप लोग दक्षिण एशिया कह देते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है, अब आप देख रहे होंगे पाकिस्तान चीन की गोद में बैठ गया है, नेपाल को भी आप देखेंगे तो चीन की भाषा बोलता है आजकल, बांग्लादेश को भी आप देखेंगे तो यहाँ भी काफी परियोजनाओं पर काम कर रहा है चीन, और श्रीलंका में भी काफी परियोजनाएं चला रहा है, और श्रीलंका में तो अभी जो नई सरकार बनी हुई है, ये चीन का समर्थन ज्यादा करती है हमारे हमारी तुलना में, आप समझ सकते हैं। तो वैसे आप समझिए अमेरिका शक्तिशाली था तो हमारे लिए उतना चिंता का कारण नहीं था जितना कि हमारा पड़ोसी है और हमसे दुश्मनी है उसकी। आपने देखा है ना कि अभी लद्दाख में किस तरह से झड़प चल रही है, यहाँ की बात कर रहा हूँ लद्दाख की, और अभी आपने कुछ समय पहले सिक्किम में भी देखा था, भूटान के पास, अरुणाचल प्रदेश को तो वो अपना पूरा बताता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा ही हिस्सा है पूरा, तो ये भी चिंता का कारण बन जाता है। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि चीन हो गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान, यानी कि दो फ्रंट पर हमें लड़ना पड़ रहा है, और आजकल आप देख रहे हैं कि नेपाल भी हमसे कुछ दूरियां बना रहा है, तब भी हमारे लिए चिंता के कारण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या कह रहा है आर्टिकल। चीन ने दक्षिण एशिया के देशों के साथ COVID-19 से लड़ने और अपने आर्थिक एजेंडे को समन्वित करने तथा क्षेत्र में बीजिंग के आउटरीच में एक नए दृष्टिकोण को दर्शाने के उद्देश्य से एशियाई देशों के साथ तीसरा बहुपक्षीय संवाद वर्चुअल तौर पर आयोजित किया गया है। आप लोग याद रखिए, वर्चुअल संवाद की मतलब यही है सीधा सा, कि अभी आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस के कारण एक तरह से वीडियो कॉलिंग को ही वर्चुअल सम्मेलन कह देते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब करते रहते हैं, कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यह आपका साउथ एशिया, जिसे आप लोग दक्षिण एशिया भी कह देते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, ये नीचे मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। और आप देखिए हमारे सभी पड़ोसी हैं, आप जानते हैं कि इन सभी देशों से हमारी सीमा लगभग लगती है, ठीक है। भाग लेने वाले देशों की अगर बात करें हम लोग, इस जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन, एक तरह से इसने वर्चुअल मीटिंग की हुई है चाइना ने, इस बैठक में भारत, भूटान और मालदीव को छोड़कर क्षेत्र के सभी देशों ने हिस्सा लिया। किसने, भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है, भूटान शामिल नहीं हुआ, मालदीव भी शामिल हुआ है। इस बैठक का उद्देश्य महामारी विरोधी सहयोग और गरीबी में कमी लाने हेतु सहयोग था। बैठक में भी सभी 5 देश जैसे पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल थे, जिन्होंने इसके पूर्व के संवादों में भी भाग लिया है। एक बात और आपको बताऊं, देखिए आप लोग समझिए, ये हैं क्या गरीब देश हैं, जैसे बांग्लादेश को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, पाकिस्तान को, श्रीलंका को, इन्हें पैसे की हमेशा जरूरत पड़ती है। एक तरह से आप कहिए कि आर्थिक स्थिति इनकी खराब है या कमजोर है, तो इनके लिए जो मदद करता है, आर्थिक मदद करता है, उसके लिए उसकी तरफ इनका झुकाव है। और आप जानते हैं कि चाइना मदद करता है, चाइना को एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक सेठ हुआ करता था, जो किसानों को ऋण तो हमेशा दे देता था लेकिन उन्हें फंसा लेता था, और किसानों को एक समय ऐसा आता था कि किसानों को वो ऋण का ब्याज देने के लिए भी सेठ पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अगर हम कहीं किसी की, श्रीलंका की अगर मदद कर रहे हैं, तो हम एक व्यवहार में, हम एक मानवता के, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस देश की भलाई भी चाहते हैं। लेकिन चाइना ऋण दे देता है, लेकिन वो ऋण में इस तरह से फंसाता है
कि पाकिस्तान को आप देख तो रहे हैं, पाकिस्तान को इस तरह से फंसाया उसने कि अब वो निकल भी नहीं सकता है। बस इतना ही फर्क है। लेकिन आप देखते होंगे कि वही हाल है कि गांव में चुनाव होते हैं तो सरपंच जी का चुनाव हुआ तो आपने देखा होगा कई बिकने वाले होते हैं और उन्हें हाल में देखना होता है, उनके उन्हें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम इसे वोट देंगे ये काम करेगा या नहीं करेगा, उन्हें तो जो दारू पिलाए और जो पैसा दे उसी को वोट दे देते हैं। तो हमारे पड़ोसियों की एक तरह से हालत यही कह सकते हैं आप लोग कि बताओ, मतलब एक तरह से भारत इतना अच्छा देश होते हुए भी आपकी हर संभव मदद करता है, वो ना तो किसी देश के साथ कोई भेदभाव करता है। अब पाकिस्तान को देखिए आप लोग, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, फिर भी हम लोग उसकी मदद करते रहते हैं। हम लोग फिर भी आप देखते हैं कि एक तरह से बात करने, जो भी रिश्ते हैं उन्हें सुधारने की बात करते रहते हैं। नेपाल को आपने देखा है, कोरोना वायरस के समय हम लोगों ने मदद की है इसकी, हम लोगों ने वैक्सीन दी है कई, लेकिन फिर भी आपने देखा है नेपाल किस तरह से भाषा का उपयोग कर रहा था वहां के प्रधानमंत्री साहब, समझ रहे हैं आप लोग। पाकिस्तान और नेपाल ने 3 संवादों में भाग लिया है और आजकल नेपाल कुछ ज्यादा ही चाइना की तरफ झुक रहा है। अनेक अनेक अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जुड़ाव की बात करें तो पहले अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान के साथ जुलाई में हुई चतुर्भुज वार्ता में चीन ने चीन पाकिस्तान के आर्थिक गलियारे सीपीसी को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही नेपाल के साथ एक आर्थिक गलियारे जिसे ट्रांस हिमालयी बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क कहा जाता है की परियोजना को आगे बढ़ाने पर भी बात की है। और आप समझिए कि चाइना हमेशा एक तरह से बाजार की खोज में है, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना के पास प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्शन हो, किसी भी वस्तु का उत्पादन हो, काफी अच्छा है उसके यहाँ। अभी आप देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर 4 फोन बिकते हैं तो उसमें से 3 कंपनियां किसकी, चाइना की कंपनियां होती हैं। या फिर आप देखते हैं कि कोई भी सामान ले लीजिए, अधिकतर आपको चाइनीज कंपनियों का देखने को मिलेगा, तो उसे मार्केट भी तो चाहिए इनको खपाने के लिए, तो उसे इसीलिए वो देख रहा है कि पास है नेपाल, पास हो गया अफगानिस्तान, भी पास हो गया पाकिस्तान भी, तो उसका मार्केटिंग होती रहेगी, उसका काम निकलता रहेगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं है कोई परियोजना कोई चला रहा है तो मानव उद्देश्य से चला रहा हो कि पाकिस्तान की भलाई चाहता है, वो ऐसा कभी नहीं, मत सोचिए। ठीक है, चीन द्वारा दक्षिण एशिया में सहयोग बढ़ाने के लिए अन्य पहले कौन की गई है, अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट ने कि चाइना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टैकर के अनुसार चीन ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के साथ लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया है। एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि आज आप देखिए कि एक तरह से अमेरिका भी चिंता में पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, आज अमेरिका हमारा साथ क्यों दे रहा है। एक समय हुआ करता था, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और चाइना की तरफ झुकाव रहता था, किसका, अमेरिका का, रूस हमारा अच्छा मित्र हुआ करता था, लेकिन आज परिस्थिति बदल रही है। अमेरिका भी इस बात को जान रहा है कि अगर आप समझिए कि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत की मदद चाहिए उसे, इसलिए वो हमारा साथ दे रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आजकल अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है चाइना। और माना जा रहा है, ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जीडीपी में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा कौन, चाइना, अमेरिका को छोड़ते हुए। कई आप इंडेक्स देखिए तो अमेरिका से काफी स्थिति अच्छी स्थिति में आ रहा है। चीन अब मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी हो गया है। और एक तरह से आप समझिए कि आप हैं और आप सबसे ज्यादा निवेश कहीं आप निवेश कर रहे हैं, जैसे किसी गांव में आप लोग सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो आप कहा क्या कहा जाएगा कि वो व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति सबसे ज्यादा वहां निवेश पैसा खर्च कर रहा है। तो इसी तरह आप कह सकते हैं कि चीन, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा एक तरह से विदेशी निवेशक है। और अफगानिस्तान की अगर बात करें हम लोग, अफगानिस्तान कहने का मतलब ये है, देखिए देखिए अफगानिस्तान से हमारा पीओके वाला हिस्सा लगता है, क्योंकि आप जानते हैं अभी किसके पास है पीओके वाला, पाकिस्तान का कब्जा है, तो यहां आपको देखने को मिलेगी छोटी सी हिस्सा लगता है, लद्दाख में आने आएगा जी। ठीक है, तो यहां देखना, याद रखना, क्योंकि इसलिए बोला हूं कई बार क्वेश्चंस बन जाता है कि किस राज्य की सीमा हमारे अफगानिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है या नहीं लगती है, तो आपको याद रखना है लगती है। अगर आप कहेंगे नहीं लगती है तो आप ये मान के कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान हमारे हमारी क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है वो हमारा हिस्सा नहीं है, तो याद रखना लगती है हमारी।
बीजिंग त्रिपक्षीय चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों के संवाद का एक हिस्सा था जो अफगानिस्तान के घरेलू राजनीतिक सामंजस्य को सुविधाजनक बनाने, क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास में सुधार पर केंद्रित है। त्रिपक्षीय चर्चा में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाकर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई है। प्राप्त है बांग्लादेश। बांग्लादेश को आप लोग देखिए, ये है बांग्लादेश। चलिए यहाँ आप लोग अच्छे से देख लीजिए, देखिए ये है बांग्लादेश। आपको दिखाई दे रहा हो पश्चिम बंगाल की सीमा भी इससे लगती है। त्रिपुरा को तो तीन तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है, ठीक है, मेघालय की भी और असम की भी लगती है, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनकी सीमा लगती है किससे, इसी से बांग्लादेश से, मेरा कहने का, और यहाँ मिजोरम भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, तो इन्हें याद रखना आपको। चीन और बांग्लादेश ने रक्षा सहयोग को, विशेषकर रक्षा उद्योग व व्यापार, प्रशिक्षण उपकरण तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। चीन जो कि बांग्लादेश की सेना का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी है, ने वर्ष 2008 से 2018 तक 71.8% हथियार मुहैया कराए हैं। कहने का मतलब है कि आप समझिए, बांग्लादेश से 100% हथियार खरीदता है, तो उनमें से 71.8% हिस्सा किस किस देश से खरीदता है, चाइना से। तो सबसे ज्यादा चाइना से हथियार खरीदता है, ठीक है। अब बात करते हैं भूटान की। भूटान आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए ये है आपका भूटान, चलिए हम अच्छे से देख लीजिए, ये है भूटान। तो सिक्किम की भी सीमा लग रही है, और आपको पश्चिम बंगाल भी देखने को मिलेगा भूटान से, और असम भी देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इन देशों की राज्यों की सीमा भूटान देश से लगती है, ठीक है, याद रखिए। चीन के साथ इसका कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। भूटान से एक तरह से हमारे अच्छे संबंध है, काफी अच्छे संबंध है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी भूटान की जमीन पर भी जब भी कब्जा करने की बात करता है एक तरह से चाइना, हम लोग उसके सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक तरह से भूटान पर हमला करना हमारे ऊपर हमले करने के बराबर है एक तरह से। आप समझ, मालदीव की अगर बात करें हम लोग, तो मालदीव आपको देखने को मिलेगा कहाँ, देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा मालदीव। देखिए ये है मालदीव, ठीक है, तो ज्यादा कुछ दूर नहीं है अपने, बस समझिए आप लोग की हिंद महासागर में ही आप लोग आराम से अरब सागर या लक्षद्वीप सागर यहां से जा सकते हैं आराम से, तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। चीन का ध्यान मालदीव के विकास की आड़ में BRI के माध्यम से लाभ उठाने पर केंद्रित है, ताकि वह मालदीव के विकास के साथ साथ यहाँ चीनी प्रभाव को बढ़ा सके और भारत के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर सके। एक तरह से समझिए आप लोग की भारत को चारों तरफ से घेरने की बात सोच रहा है या बात कर रहा है, ठीक है। फिर आता है नेपाल। नेपाल कहाँ है आपका, ये है नेपाल, ठीक है, यहाँ आप लोग देखिए नेपाल को। नेपाल से आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और यहाँ आपको पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी सीमा लगती है आपकी नेपाल से। इसलिए बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपके वन डे एग्जाम में भी पूछ लिए गए हैं, कई बार आपके सिविल सर्विस और स्टेट PCS में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि नेपाल से हमारे कितने राज्यों की सीमा लगती है, या फिर पूछ लेगा कि बिहार की सीमा नेपाल से लगती है या नहीं, या पूछ ले कि पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से लगती है या नहीं लगती है, तो याद रखिए इनके बारे में, ठीक है। चीन राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2019 में नेपाल की यात्रा की गई थी, और 23 वर्षों में किसी चीनी यात्री की यह पहली यात्रा थी। दोनों देशों ने नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण में तेजी लाने, उनके बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। दोनों देशों ने चीन नेपाल सीमा पर पार रेलवे की व्यवहार्यता का अध्ययन शुरू करने की भी घोषणा की हुई है। इसीलिए आप देखते हैं नेपाल का झुकाव काफी पाकिस्तान की तरफ होता जा रहा है। फिर आता है आपका श्रीलंका। श्रीलंका आपको कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए ये है आपका श्रीलंका, ठीक है, ये पाक जलडमरू द्वारा अलग होता है, हमारा श्रीलंका जुड़ा हुआ है हमसे। ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है, SSC बैंक रेलवे इस तरह के वन डे एग्जाम में भी कई बार आ चुका है कि भारत और श्रीलंका को के बीच कौन सी जल संधि है, या फिर पूछ लेता है कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है, तो याद रखिए श्रीलंका और आपका भारत को, क्योंकि कई लोग लगा लगाते हैं कि पाकिस्तान को करती है, पाक जल डमरू पाकिस्तान और भारत को अलग करती है, नहीं, लेकिन आपको याद रखना है श्रीलंका और भारत को अलग करती है, ठीक है। चीन
का ऋण चुकाने के लिए श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया है। आप समझ रहे हैं, चीन का ऋण चुकाने के लिए, यानी कि एक तरह से आप कहिए कि किसान को सेठ का कर्ज चुकाने के लिए, किसान अपने खेत क्या करें, एक तरह से सेठ को सौंप दे 99 साल को। तो यही किया है किसने, श्रीलंका ने। हम्बनटोटा भौगोलिक रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है, जो बीजिंग के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को टक्कर देता है। और आप समझ सकते हैं, देखिए अब आप चारों तरफ से हम लोग घिरते ही तो जा रहे हैं। श्रीलंका देख लीजिए, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, ऊपर चाइना हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अगर आप समझिए कि अगर हमारे पाकिस्तान से अच्छे संबंध होते या फिर चाइना से अच्छे संबंध होते, हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना सकते थे तजाकिस्तान या अफगानिस्तान जाने के लिए, किर्गिस्तान जाने के लिए, उज्बेकिस्तान जाने के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जाते हैं, फिर पहले आप ईरान में, ईरान से होती हुई ऐसे हम लोग कनेक्टिविटी रखते हैं अभी। तो आप समझ सकते हैं कि इतना दूर पड़ता है। अब बात करते हैं भारत के लिए आखिर चिंताएं क्यों है। तो सबसे बड़ी चिंताएं तो सुरक्षा चिंताएं की है। पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ता सहयोग, और नेपाल और चीन के बीच बढ़ती साठगांठ, और दक्षिण एशियाई देशों द्वारा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को स्वीकृति देना। एक बात और आपको बताऊं, देखिए हम लोग कितने भी मजबूत हों, लेकिन दो तीन चार फ्रंट पर युद्ध कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। समझ रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अफगानिस्तान हो गया, एक तरफ आप सोचिए चाइना हो गया, नेपाल हो गया, चाइना आप सोचिए कि बांग्लादेश भी मुंह उठाने लगे, और आप सोचिए श्रीलंका भी अगर मुंह खोलने लगे, तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया में नेतृत्व की भूमिका, और दक्षिण एशिया में चीनी उपस्थिति लगातार बढ़ रही है, यह देशों द्वारा चीन के ध्वज वाहक के रूप में स्वीकृति को दर्शाता है, जिसे भारत अपने लिए चाहता है। आर्थिक चिंताएं क्या है भारत के सामने, पिछले एक दशक में चीन ने भारत को दक्षिण एशियाई देशों की प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित किया है। उदाहरण के लिए 2008 में चीन के मुकाबले मालदीव के साथ भारत के व्यापार का हिस्सा 3.4 गुना था, लेकिन वर्ष 2018 तक मालदीव के साथ चीन का कुल व्यापार भारत से थोड़ा अधिक था। आप समझ रहे हैं कि वो उसकी सबकी बढ़ सभी देशों में उसका व्यापार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश के साथ चीन का व्यापार भारत की तुलना में लगभग दोगुना है, और नेपाल और श्रीलंका के साथ चीन का व्यापार अभी भी भारत के व्यापार की तुलना में कम है, किंतु यह अंतर लगातार कम होता जा रहा है, और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि हमसे आगे निकल जाए। इसमें आगे की राय क्या हो सकती है, भारत क्या कर सकता है, भारत के पास क्या ऑप्शन है। तो भारत के पास चीन की तरह आर्थिक क्षमता नहीं है, यानी कि भारत, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में और चाइना में कितना फर्क है। देखिए भारत के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सभी को एक तरह से फंसाता रहे। अभी आपने देखा होगा चाबहार बंदरगाह के बारे में सुना होगा, चाइना एक तरह से, आपने कहा इसका ईरान में आप लोग एक तरह से इसका निर्माण कर रहे थे, लेकिन आप देखते हैं कि हम लोगों ने, जैसे ही आपने देखा है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, तो हम लोगों ने क्या किया, इस परियोजना को रोक दिया है। तो इसलिए कम से कम हमसे, हम पर कम भरोसा कर रहे हैं ये लोग देश, कि हम लोग किसी के भी प्रभाव में कोई भी परियोजना रोक देते हैं। लेकिन आपने देखा है ईरान और चाइना के बीच संबंध बढ़ते गए, जैसे ही अमेरिका ने रोकने की, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की, तो चाइना ने इस प्रतिबंध को नहीं माना है। और आप समझिए कि ईरान को जरूरत थी किसी दोस्त की, तो उसने चाइना से दोस्ती कर ली। देखिए यहाँ देखिए, यह है चाबहार बंदरगाह, तो इसे पूरा भी हम लोग कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे। तो आप समझिए, इसलिए भारत को इन देशों के विकास के लिए चीन के साथ सहयोग करना चाहिए, ताकि दक्षिण एशिया का विकास हो सके। और एक बात और याद रखनी चाहिए आपको कि 21वीं सदी कहा जाता है, कि दक्षिण एशिया या की सदी कहा जाता है, विशेष तौर पर भारत और चाइना की सदी कहा जाता है, क्योंकि भारत और चाइना के पास सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ा बाजार भी है, और आप समझिए सबसे बड़े एक तरह से उभर के आ सकते हैं। अगर ये सभी देश मिल जाए, दक्षिण एशिया एक तरह से आप कहिए कि एक होके अगर काम करे, तो अमेरिका को भी एक तरह से पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब में टकराव है, कोई कहीं नहीं। पाकिस्तान से देखिए आप लोग, कि हमेशा हमारी वो चलता आ रहा है युद्ध टाइप का। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विस्तार की योजनाओं की भी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, और भारत को उन दक्षिण एशियाई देशों में निवेश करना चाहिए जहां चीन कमजोर पड़ता है, और इन देशों में भारत को प्रभाव बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यही है कहानी आपके जो चाइना की।
दक्षिण एशिया या बाकी देशों में जो पैठ बढ़ रही है, एक तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, उनको लेकर हमारे मन में क्या चिंता है? इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ लेता है और आपकी मुख्य परीक्षा में भी पूछ लेगा। मुख्य परीक्षा में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि दक्षिण एशिया में बढ़ते प्रभाव से, चाइना के दक्षिण एशिया में बढ़ते प्रभाव से हमारे लिए क्या चिंताएं हो सकती हैं, हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो भी पॉइंट रहा करें, और हमारे पड़ोसी देश हैं तो मुझे लगता है कि फिर भी हमें अपने पड़ोसियों से क्या संबंध है, क्या हमारे लिए वो चिंता है, तो ये तो मालूम होना चाहिए ना। ठीक है, तो यही पॉइंट है आपके।